नोएडा सेक्टर 15 उठे नए बारात घर की मांग, नोएडा प्राधिकरण को लिखा पत्र। नोएडा सेक्टर 15 ऐसे तो शहर में लगातार बढ़ती आबादी का दबाव है, लेकिन कई सेक्टर में इसका खास असर है। आज की शहरनामा में नोएडा सेक्टर 15 की बात करते हैं। नोएडा सेक्टर 15 में लगातार बढ़ती आबादी से दो प्रकार की समस्या खड़ी हो गई है, इसमें से एक पार्किंग की है और दूसरी बारात घर की, क्योंकि बारात घर नोएडा सेक्टर 15 के अंदर बनी हुई है और आबादी के लिहाज से बहुत ही छोटी है। दूसरी पहलू है कि अगर यहाँ पर कोई कार्यक्रम होते हैं तो जाहिर है कि आजकल जोर से डीजे बजाने की और शादी में नशे जैसी चीज़ों के प्रयोग आम हो चुकी है, इससे आसपास के लोगों के सामने समस्या खड़ी होती रहती है। एक रास्ते के कारण और दूसरी डीजे की आवाज़ के कारण। अगर घर में किसी बच्चों का परीक्षा होने वाली हो तो क्या हालत होता होगा, इसका अंदाज़ा तो लगाया ही जा सकता है। इसी समस्या को लेकर सेक्टरवासी ने नया बारात घर की मांग प्राधिकरण के सामने रखी है। समाजसेवी दिग्विजय सिंह ने प्राधिकरण को पत्र लिखकर सेक्टरवासी के इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने की मांग किया है। नए बारात घर की प्रस्ताव साई मंदिर के पास खाली पड़ी जगह में करवाने की आग्रह किया गया है। इसका समर्थन गाँव वाले ने भी किया है। देखते हैं एक के बाद एक दो बाइट। मैं इस समय नोएडा के सेक्टर 15 के गेट पर खड़ा हुआ हूँ, गेट नंबर 2 है, और हमारे सामने दिग्विजय सिंह जी खड़े हैं जो काफ़ी इस सेक्टर के लिए काफ़ी कार्य करवा रहे हैं, खास करके जब से ये कोरोना जैसी महामारी ने एंट्री किया है जब से लगातार एक्टिव देखे जा रहे हैं। तो मैं इनके बारे में भी जानना चाहूँगा और साथ में कई नए कार्य जो यहाँ की समस्या कह सकते हैं या विकास के लिए ज़रूरत है उन पर भी बात करूँगा। तो जी नमस्कार, सबसे पहले तो आप लोग सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से वतन की आवाज़ की तरफ से आपको जो लॉकडाउन में जिस तरह से आप लोगों ने कार्य किया है बहुत अच्छे कार्य किया सराहना योग्य है। सबसे पहले आप लोगों के आभार प्रकट करता हूँ कि आप उन्होंने बाहर आया और अपने जो सेक्टर वासी है इसके अलावा भी जो बाहर के लोगों के लिए एक क्या कहते हैं आप लोगों ने मोटिव बने, तो किस तरह से किया दिग्विजय सिंह ने, कैसे उनके मन में आया कि मैं इस कार्य के लिए आगे बढ़ूँ? जी देखिए, सामाजिक कार्यों के लिए प्रेरणा हमें काफ़ी पहले से कुछ हमारे सीनियर सिटीजन्स थे उन लोगों से मिली यहाँ पर। उसके बाद मैं सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में यहाँ पर 2 साल से निरंतर अनवरत रूप से लगा हुआ हूँ। एक ग्रुप बनाया हमने 15 लोगों से स्टार्ट किया था, आज वो 250 लोगों का एक ग्रुप है और उसमें दूसरा ग्रुप भी मिला के लगभग 400 लोग होने वाले हैं हमारे। तो सब कुछ कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे ये कड़ी दर कड़ी जुड़ता गया और हमने इसमें सेक्टर की समस्याओं को उठाया। सेक्टर की छोटी समस्याएं, ग्रीन बेल्ट गंदी होती थी या पानी लगाया नहीं जाता था वहाँ ठेकेदारों द्वारा या हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा पानी नहीं लगता था जिसकी वजह से पेड़ सूखते थे। सबसे पहले हमारा मुद्दा बना वो। फिर उसके बाद ग्रीन बेल्टों में ई ब्लॉक के जो 2 पार्क हैं बिल्कुल एंड साइड के गेट नंबर 3 साइड के, वहाँ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। वहाँ पे पार्कों की सफाई जो बिल्कुल ही कंडम बिल्कुल मामला पड़ा हुआ था, ख़राब था, उनमें वहाँ पे पार्कों की सफाई करवाने से लेके जब स्ट्रीट लाइट यहाँ पे लगी हुई थी वो यहाँ पे आके रोक दी गई थी गली नंबर 1 तक डी ब्लॉक में आके। उसके बाद एक एप्लीकेशन के बाद हमने उस काम को दोबारा शुरू करवाया और उसके बाद मैं इनके अधिकारियों से भी बात करा दूंगा जिनसे यहाँ पे गुजरात की एक्चुअली टीम आई थी उस समय जब स्ट्रीट लाइट लग रही थी। एक्चुअली ये तो अखिल भारतीय जो भी था पूरे प्रधानमंत्री की योजना थी पूरी की पूरी, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है, ये तो काम हो नहीं था, लेकिन वो 4 महीने से रोका क्यों गया, हमारा मुद्दा था वो। सबसे पहले हमने उस मुद्दे को उठाया। उसके बाद गुजरात की टीम यहाँ पर आई थी, उस टीम के साथ हमारे पास कम से कम 200 वीडियो इस समय पड़े हुए हैं, उसमें हमने जहाँ तक हुआ 80% हमने साथ दिया उस टीम को ले जाके जहाँ जहाँ उन्हें प्रॉब्लम आ रही थी। आरपी सिंह जी और जो यहाँ के जो विद्युत विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे कोऑर्डिनेट करना, इवन यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर NRW के उन्होंने तक मेरे से हेल्प मांगी कि दिग्विजय जी क्रीड़ा स्थल के सामने हमारे जो पार्क है वहाँ पर लाइट नहीं लग रही है, क्योंकि थिम्बल नहीं था इस वजह से लाइट नहीं लग पा रही, ऐसा कई जगह पे था। तो जब लाइट लगवाने के सिलसिले में मतलब सिलसिलेवार तरीके से पूरे सेक्टर में काम करवाया। उसके अलावा जो यहाँ पे है सैनिटाइजेशन
नंबर वन प्रमुख समस्या थी यहाँ पर, सही तरीके से नहीं हो रहा था। वो अधिकारियों के निर्देशन में, अधिकारियों का दबाव बनाकर वो उसको रेगुलराइज करवाया गया, जो कि पहले नहीं था। जब कोरोना महामारी की शुरुआत हुई उस तरीके से नहीं था, उसे शुरू कराया गया। उसके अलावा रेगुलर बेस पे मैं यहाँ पे काम कराता रहता हूँ, जैसे लाइट्स हो गई, लोगों के सीवर्स तक हो गए, ग्रीन बेड की सफाई, पंप, पानी के पंप खराब हो गए, पानी नहीं लगते थे, पेड़ सूख जाते थे, ये सारे काम हमने रोज़, मतलब ये छोटा छोटा कहने में लगता है, रोज़ तीन चार पाँच हमने इस तरीके से कंप्लेंट्स निपटाई हैं और दो साल, लगभग डेढ़ साल, पौने दो साल हमने इस तरीके से यहाँ पर काम किया। तो अब मैं आपसे जो सवाल पूछने वाला है कि आपने एक लेटर लगाया है सिटी मजिस्ट्रेट के साथ साथ कि आपको बरात घर की समस्या है, तो क्या समस्या बरात घर की? सर देखिए, जो वर्तमान समय में हमारा जो बारात घर है, उसकी कैपेसिटी आज के हिसाब से देखी जाए, जो उसके सराउंडिंग लोग रहते हैं, अगर वो काफ़ी नहीं है, अगर दोनों तरफ एक एक गाड़ी लग जाए तो तीसरी गाड़ी बीच में से निकलने की जगह बचती नहीं। जो भी समारोह होते हैं, समारोह के दौरान जो वहाँ पे शोर शराबा या जो गैदरिंग होती है, उससे जो भी सराउंडिंग लोग रहते हैं उनकी जो प्राइवेट लाइफ, जो प्राइवेसी पूरी तरह डिस्टर्ब होती है। सेक्टर में गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो जाता है, छोटे मोटे आयोजनों में भगदड़ मच जाती है, मतलब बड़ा ही अफरा तफरी वाला माहौल, कहीं डीजे चल गया तो पूछो मत क्या हाल होता है। तो उसके लिए हमने प्राधिकरण को एक लेटर लिखा, जिसमें कि हमने जो हमारे गेट नंबर 2 के बाहर आप देख सकते हैं, ये जो पार्क है साईं मंदिर वाला, इसके लिए ये सेक्टर 15 की कम्युनिटी फैसिलिटी के लिए था। मई महीने में क्या है, इसका ठेका ख़त्म हो गया है। अब उसके लिए हमने एक लेटर लिखा था कि भाई इस पर आप आधे में पार्क बनाइए और आधे में कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 15 के लिए, जो भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सेक्टर 15 फैल चुका है बहुत ज़्यादा। जहाँ पहले एक मंजिल मकान होते थे, वहाँ आप तीन चार मंजिल मकान हो गए, जहाँ एक गुना आबादी, अभी 10-12 हज़ार से ज़्यादा की आबादी है सेक्टर 15 के अंदर। तो इतने बड़े बोझ को एक छोटा सा कम्युनिटी सेंटर कैसे उठाया जाएगा? सर्दियों का महीना शुरू होता नहीं हल्का सा, कि यहाँ पे रोड पे जमघट लगना, मतलब इस तरीके का माहौल अव्यवस्थित हो जाता है काफ़ी, जिससे कि यहाँ पे आस पड़ोस के लोगों को क्या, पूरे सेक्टर का एक तो गाड़ियों की निकलने की समस्या हो जाती है, समारोह का आयोजन के दौरान लोगों की प्राइवेसी पूरी तरह भंग हो जाती है। इसी को देखते हुए जब हमने आगे इस पर कार्रवाई की, तो ये इस पार्क को हमने पाया गेट नंबर 2 के बाहर सेक्टर 15 के अंदर, ये जो साईं मंदिर वाला पार्क है, ये सेक्टर 15 की कम्युनिटी फैसिलिटी के लिए अवेलेबल है। तो इस पर हमने एक एप्लीकेशन लगाई, जिस पर अभी काम चल रहा है कि भाई यहाँ पर हम सेक्टर 15 के लिए कम्युनिटी सेंटर बनाना चाहते हैं, प्लस पार्क भी बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ का मुआयना करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पार्किंग तो ख़त्म हो गई, यहाँ के रहने वाले नए बांस जो ग्रामीण हैं वो भी परेशान हैं। उन लोगों ने बोला यहाँ पे कुछ करवाइए, यहाँ पे शराबी नशेड़ी, लाइट बंद रहती है रात को, पता नहीं सारे उल्टे काम यहाँ पे होते हैं, इस तरीके की बातें हमारे जब सुनने में आई, तो एज ए एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मेरे मन में यह विचार आया कि इस काम को उठाया जाए। ये गंद तो हटेगा, उसे नाम बताइए, नाम संतराम सिंह। आपके यहाँ पर क्या समस्या है अभी? क्या समस्या? सबसे बड़ी समस्या हमारी इस पार्किंग की है। पार्किंग के अंदर इतनी ज़्यादा गंद है, इतनी हज़ारों गाड़ियाँ इसमें खराब, इसको इतनी गाड़ियाँ ख़राब पड़ी हैं, इसमें उल्टे सीधे काम होते हैं। मैंने क्या क्या उल्टे सीधे क्या क्या होते हैं? हर तरीके के काम होते हैं, गांजे वाले पड़े रहते हैं इसके अंदर, दारू वाले पड़े रहते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? यहाँ पर कुछ सुविधा हो, कोई बारात घर बने, कोई पार्क बने, कुछ बने पब्लिक के लिए, जो सबके लिए अच्छा रहे, ये हम चाहते हैं। तो इनका कहना है यहाँ पर बहुत सारे समस्या है, जो सबसे बड़ी समस्या आज की समाज की है वो नशाखोरी है। अगर वो लोग जहाँ भी रहे तो समाज शांत नहीं हो सकता। दूसरी बात, इनका कहना है कि ये जो सामने पड़ी है, खाली पड़ी है, गाड़ी उल्टी सीधी लगी है, तो यहाँ जगह का इस्तेमाल हो, बारात घर या पार्क बनाई जा सकते हैं, जिससे समाज के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। नमस्कार। इसके अंदर कम से कम सालों साल से गाड़ियाँ खड़ी हैं, इतनी महंगी गाड़ी हैं जो कि सालों साल से कोई उठाता ही नहीं। किसकी गाड़ी है वो, कुछ पता है? पता नहीं, लावारिस गाड़ी है वो, क्योंकि एक साल से गाड़ी हटेगी नहीं तो लावारिस ही होंगी। जिन गाड़ियों को यहाँ से एक साल तक हटाया नहीं जा रहा, वो गाड़ियाँ, कुछ गाड़ियों में आग भी लगी है कई बार यहाँ पर, फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। पुलिस है, प्रशासन है, कोई कुछ नहीं कर रहा। इतनी गाड़ी चोरी की है, क्या है, एक्सीडेंटल है, क्या है,
हजारों गाड़ी इसमें पड़ी। आप लोगों ने कोई कंप्लेंट किया इसके में? कंप्लेंट किसी ने नहीं करी, कोई करता ही नहीं, क्योंकि किसी को जरूरत नहीं, ये समझते हैं लोग। नाने की लावाड़ की गाड़ी लागे कोई खड़ा करता है, बम ब्लास्ट हो जाए तो? हाँ, कुछ भी हो जाए, पार्किंग वाले को जिम्मेदारी दे रखी है बस, कि पार्किंग वाला जो भी है वो भी पार्किंग वाले को पैसे चाहिए, कुछ करता नहीं। पार्किंग तो शायद खत्म हो गई इसकी। पार्किंग खत्म नहीं, नोएडा अथॉरिटी पैसे लेती है इससे। अच्छा, अभी भी ले रही है? पैसे ले रही है, पार्किंग में दे रखी है नोएडा अथॉरिटी ने। अच्छा, जब कोई ध्यान नहीं, कोई सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। इतनी बड़ी पार्किंग है ये, इसके अंदर किसी भी गाड़ी के मालिक का पार्किंग वाले को मालूम नहीं है कि कौन सी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, कौन सी गाड़ी कब गई बताइए। ऑटो हैं, ठेली हैं, ट्रक हैं, बस हैं, जो कैसे खड़े हैं सालों साल से।